हाँ जी हाँ कहते हैं। कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं कि जो एडवांस में चल रहे हैं उनके परिवार के कुटुंबी सब ज्ञान में चलेंगे। जब ज्ञान में चलेंगे बाप के बच्चे बनेंगे तो 9 दिन की ज्ञान गर्भ की भट्टी में भी रहना पड़े। ऐसा कोई बच्चा होता है? ऐसी कोई आत्मा होती है जो पुराना शरीर छोड़ने के बाद नए बाप माँ बाप के घर में जाकर जन्म न ले? और जन्म लेने से पहले गर्भ में पालन न ले? गर्भ में 9 महीने पालना भी लेनी पड़ती है। उन 9 महीनों में बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, अंदर ही खाना पीना सब कुछ चलता है। वो है हद की बात और ये है बेहद की 9 दिन की भट्टी। ज्ञान गर्भ महल है। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरा परिवार कैसे ज्ञान में चलेगा? अभी तो कोई नहीं मानता, बल नहीं मानते तो भी एडवांस में चलने वालों का परिवार ऐसा परिवार है जो आपको कभी धक्का नहीं देना चाहता। ये ब्राह्मण परिवार से तो अच्छे हैं जो लात मार के निकाल देते हैं, जैसे पांडवों को कौरवों ने लात मार के निकाल दिया। तो कौन सा परिवार अच्छा है? हैं? बाप जिनको वरदान देते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों के मुआफिक अंतिम जन्म में तुमको ये जो लौकिक परिवार मिला है इसकी भी विशेषता है। जब सारी दुनिया में आवाज निकलेगी बाप आ गया, अखबारों में निकलेगा, रेडियो चिल्लाएंगे, टीवी चिल्लाएगा, इंटरनेट में आवाज निकलेगी, तो आपके परिवार वालों के कान में नहीं पड़ेगी क्या? तो वो पहले निकलेंगे या तुम्हारा जो विरोध करते हैं मुंह भी नहीं देखना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, वो पहले निकलेंगे? हाँ? परिवार वाले निकलेंगे। इसलिए श्रद्धा रखनी चाहिए बाबा के महावाक्यों पर, विश्वासम फलदायकम। हाँ अंत में निकलेंगे तो गहराई से ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। प्रजा वर्ग में तो आ जावेंगे, स्वर्ग में जाना भी कोई कम बात थोड़ी है। प्रजा वर्ग में भी फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राज परिवार के नजदीक बैठते हैं, सेकंड क्लास प्रजा भी होती है, थर्ड क्लास प्रजा भी होती है,
स्वर्ग के आदि काल में 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम देवता बनना कोई कम बात है क्या? अरे जब ज्ञान में चलेंगे तो कंचन काया नहीं बनावे, उन्हें विश्वास नहीं बैठेगा कि भगवान आया हुआ है तो इसी जन्म में हमको देगा या मर जाने के बाद देगा। भगवान आया हुआ है, भगवान धोबी बनता है, ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे? तो ऐसा धोबी के काम का के कपड़े ले ले और कह दे अगले जन्म में ले लेना। स्थापना पहले होती है और विनाश बाद में होता है। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। ये स्थूल विनाश की बात है। स्थूल में प्रैक्टिकल राजधानी स्थापन होने की बात है, बाकी दिव्य गुणों की स्थापना मन बुद्धि रूपी आत्मा में ज्ञान की स्थापना ये अभी जितनी होती जाती है उतना अवगुणों का विनाश होता जाता है। आत्मा शक्ति भरती जाती है, अशक्ति का नाश होता जाता है। इसलिए कहा जाता है जितनी स्थापना उतना विनाश। विजय माला से भी आएंगे जब कन्या की शादी होती है तो शादी होने के बाद कन्या का कुल पुराना कुल माना जाता है या पति का कुल माना जाता है? तो पति रुद्रमाला में, सूर्यवंशी ग्रुप में है तो कन्या कौन से वंश की हुई है? चंद्रवंशी कही जाएगी, जरूर सूर्यवंशी कही जाएगी। इसलिए बोला है कि पहली पहली जो अष्टदेवों की माला है उसमें चार सूर्यवंशी और चार चंद्रवंशी, बीच में है बाप। और बोई बोई बातें बार बार पूछते, मुरली सुनते ही नहीं। रोज मुरली सुनेंगे तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। मोर का ध्वज ध्वज माने झंडा, मोर का ध्वज धारण करने वाला कौन है? मोर पंख कौन धारण करता है? हैं? कृष्ण। तो जो मोर का पंख धारण करता है का मतलब है पवित्रता की जिम्मेवारी लेता है, तो मोर ध्वज नाम पड़ा है।
ताम्रध्वज। क्रोध आता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? तांबे जैसा हो जाता है। वो कौन आत्मा है जो अंत में सबसे जास्ती क्रोध में आवेगी? उससे जास्ती क्रोध और किसी का है ही नहीं। शंकर मुरली में भी बोला है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो काम विकार से विनाश होता है या क्रोध विकार से होता है? हैं? क्रोध से विनाश होता है। नौ प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक से एक ऊंचे हैं और एक से एक नीच प्रवृत्ति के हैं। जैसे नौ धर्म हैं, ये तो बाद में आए, परंतु हर प्रकार के धर्म में जो भी पूर्वज आत्माएं हैं वो सब यहां संगम युग में ब्राह्मण बनती हैं। हर धर्म के पूर्वज हैं। पूर्वजा का मतलब ये है जिन्होंने पहले पहले जन्म लिया, वो संगम युग में अभी तैयार होते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि नौ ऋषि मुनि हुए जिनके गोत्र में नौ प्रकार के ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। कोई शांडिल्य गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, ये नाम है ना, ये फाउंडेशन अभी पड़ रहा है। जो नौ कुरियों के रूप में गाया जाता है, नौ कुरियों का और नौ इंद्रियों का कोई कनेक्शन है बाबा? शेष्ठ इंद्रियां भी हैं, भ्रष्ट इंद्रियां भी हैं, पावरफुल धर्म भी है। ज्ञानेंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है, कर्मेंद्रियों को भ्रष्ट कहा जाता है, जो श्रेष्ठ हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं या जो भ्रष्ट हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्धी और क्रिश्चियन ये पावरफुल धर्म कहे जाते हैं। एक के बाद एक नंबरवार, फिर उनसे जो टारटारियां निकलती हैं, जैसे इस्लाम धर्म से मुस्लिम धर्म, तो उसे इस्लाम के मुकाबले पावरफुल कहेंगे या कमजोर कहेंगे? हैं? कमजोर कहेंगे। ऐसे ही ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों में मुख्य हैं दो आंखें। शिव बाबा की भी कोई दो आंखें हैं या नहीं है? कौन है? राम और कृष्ण दो आंखें हैं।
तो बहुत पावरफुल ज्ञानेन्द्रियां है ना। मुरली में बोले हैं शिव बाबा को नव इंद्रियों व नव दरवाजों वाला शरीर चाहिए, क्योंकि नवपुरी के ब्राह्मण होते हैं, तो इंद्रियों और पुरी के ब्राह्मणों का क्या कनेक्शन है? कुरियां पहले तैयार होती हैं, यह फर्स्ट ब्राह्मण पहले तैयार होता है, है? पहले तो पहला ब्राह्मण चाहिए, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र सो फिर से पहला ब्राह्मण बनता है, उसके बाद उससे जो पैदाइश होती है वो नंबरवार कही जाती है। तो भगवान का घोड़ा ऊंचते ऊंच होगा या नीचा होगा? तो ऊंचा घोड़ा ले लेते हैं। और धर्म पिताएं जो आते हैं वो नंबरवार नारायणों में आते हैं, ऊंचते ऊंच बाप जरूर ऊंचते ऊंचे में आवेंगे। सेकंड नंबर का धर्म पिता इब्राहिम सेकंड नंबर के नारायण में आवेगा या नीचे नारायणों में आवेगा? सेकंड नंबर में ही आवेगा। अरे भूत प्रेत भी होते हैं, ये सबने प्रवेश कर लेते हैं या उनका मुकर्रर घोड़ा होता है? उनका भी मुकर्रर घोड़ा होता है, वो भी अपने से ज्यादा पावरफुल आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। बाकी नौ इंद्रियां तो सभी को होती है, और कम इंद्रियों से पतित होना और अधिक इंद्रियों से पतित होने का पतित तो बनाने वाली मुख्य इंद्रिय कौन सी है? हैं? काम इंद्रिय। और इंद्रियों से इतने पतित नहीं होते हैं, अगर और इंद्रियों से भी इतना पतन हुआ होता तो सतयुग में दृष्टि योग से पैदाइश होती है। तो दो कला कब होती है 1250 वर्ष में? यह कला हीनता आती है, हैं? दो कला मात्र कब होती है 8 जन्मों में? जितनी ऊंची इंद्रिय होगी उतना पतन कम होगा। और मिट्टी को दफनाने और मिट्टी को घास कर देने के बाद सारे दूसरे में बोले हैं कि आपकी लाश ही गुम कर दी गई, उसका क्या है? गुम कर दी मैंने, गायब कर दी, किसी को पता ही नहीं चला जलाई गई है या कुएं में डाल दी है या जमीन में गाड़ दी गई। वो तो सबका बाप है, है? मनुष्य सृष्टि में कोई धर्म वाला ऐसा है जो कहे कि एडम सारी मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है, हमारा बाप नहीं है? वो तो सबका बाप है, सबका बाप है तो जरूर हर परिवार में जावेगा या एक ही परिवार में बैठ जावेगा? सब परिवार का चक्कर लगाएगा।
फिर वहां जहां जैसी रस्म होगी वैसी रस्म अपनावेगा। और आत्मा का रूप जो स्थित होता बाबा, तो फरिश्ता शरीर का क्या रूप होता? फरिश्ता जो है उसको कहा जाता है जिसका फर्श की दुनिया वालों से मानसिक रिश्ता नहीं रहता है, मन का बुद्धि का अटैचमेंट देह के संबंधियों में नहीं जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि फरिश्ता आत्मा नहीं होती है, आत्मा तो है लेकिन श्रेष्ठ किस्म की आत्मा है, दुख देने वाली आत्मा नहीं है। जिनका देह से कनेक्शन होता है, देह के संबंधी याद आते रहते हैं, वो भूत प्रेत आत्माओं को फरिश्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको याद आता है इसने हमको मार डाला, इसने हमारे साथ दुश्मनी की, तो देह याद आता है या नहीं याद आता है? याद आती है, वो भूत प्रेत आत्माएं हैं, दुखी होकर मरती हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में कोई को दुखी होकर के मारा है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, और सुख देंगे तो सुखपूर्वक शरीर छोड़ेंगे, फरिश्ताई शरीर मिलेगा। सूक्ष्म शरीर तो दोनों को होता है, इविल सोल को भी होता है। और जो अच्छी सोल्स होती हैं, जिन्हें फरिश्ता कहा जाता है, उनको भी होता है। फरिश्ता बने बगैर देवता नहीं बन सकते, फरिश्ते उड़ते रहते हैं। विश्व कल्याण के कार्य में जैसे पहले सिनेमा होता था, टाकी नहीं था, बोलता नहीं था, सिर्फ पर्दे पर चित्र आता था, उस पर्दे पर पड़े हुए चित्र को कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है क्या? नहीं। तो ये भी लाइट का आकार होता है, उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। वो फरिश्तों को भी होता है तो इविल सोल्स को भी होता है। शरीर शरीर को आत्मा चलाती है, लेकिन जब वो मन बुद्धि से कहीं और चली जाती है उस समय उसके शरीर को कौन चलाता है? सूक्ष्म शरीर। बच्चा जिसे शिशु कहा जाता है, गोद में पलता है, पालना में पलता है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो बच्चा कभी हंसता है, कभी अपने आप रोता है। वो पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है सूक्ष्म शरीर से। तो मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर वालों में भी होती है। मन स्वयं एक ग्यारहवीं इंद्रिय है। वाइब्रेशन निकलते रहते हैं बाबा,
वाइब्रेशन का क्या? जैसी अच्छी या बुरी आत्मा होगी वैसे भयंकर या सुखदाई उसके वाइब्रेशन भी होंगे। अच्छी आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से ही खुशी महसूस होती है। और जो अच्छे नहीं होते हैं, जन्म जन्मांतर के दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, उनके संसर्ग संपर्क में आने से ही आत्मा दुख का अनुभव करती है। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा का फोन आता है तो हमें दुनिया भूल जाती है, ये दुखदाई दुनिया क्यों भूल जाती है? क्या कारण है? हैं? क्योंकि भावना के आधार पर जिन बच्चों ने पहचाना है, विश्वासम फलदायकम, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हमारा बाबा से भगवान से कनेक्शन हुआ। तो उनको खुशी का अनुभव होता है, खुशी में इतने ओत प्रोत हो जाते हैं कि बाप को याद करते ही बाप के घर का अनुभव करते हैं। जैसे बाप के घर में कोई संकल्प नहीं, संकल्पों की दुनिया ही भूल जाती है, परमधाम में कोई संकल्प नहीं होता, वो परमधाम तो ऊपर है लेकिन शिव बाप जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो भी परमधाम है। निसंकल्पी स्टेज का अनुभव करते हैं। तो ये वाइब्रेशन का कमाल है। सत्संग और दुष्ट संग गाया हुआ है, सत्य का संग सुखदाई होता है, दुनिया में सब एक जैसे सच्चे हैं, सत्य हैं, यह नंबरवार सत्य हैं। जितना जितना आत्मा में सत्य है उतना उतना वो आत्मा सुखदाई वाइब्रेशन तैयार करती है। क्या डालते? सोना। संगम युग में देवान जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? हैं? जलाते हैं। तो देवान जिनका जलता है उनमें सच्चाई होती है तब देहधान जलता है, या ज्ञान होता है तब देहधान जलता है? तो ये सच्चाई ही सोना है, ये ईश्वरीय ज्ञान ही सोना है। ईश्वरीय ज्ञान होगा
तो देह अभिमान जलेगा। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है हिंदुओं में कि जब देह को जलावेंगे तो कुछ न कुछ उसमें सोना डालना चाहिए। मुसलमानों में क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं होता है, वो देह को जलाते ही नहीं है, भस्म नहीं कर पाते देहबान को, इसलिए उनमें परंपरा नहीं है कि सोना बोना डालें। हाँ जी, गंगोत्री का जल कामेश्वर में क्यों चढ़ता बाबा? है गंगा है वो स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? स्त्री चोला है। और रामेश्वर में जो राम है वो पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, उनकी गति सदगति माता गुरु के बगैर नहीं है। तो गंगा भी माता है, उसका ज्ञान जल उसे गंगा मैया के मुख से निकला हुआ ज्ञान जल पावन बना देगा या मनुष्य पुरुषों के मुख से निकला हुआ जल पावन बनाता है? हैं? भगवान तो आता है पुरुष तन में, परंतु जिस पुरुष तन में परमात्मा बाप आते हैं वो पुरुष तन कन्याओं माताओं का आधार लिए बगैर षष्ठी को पावन बनाने के निमित्त बन पाता है? नहीं बन पाता। पुरुषों में मुख्य पुरुष है रामबली आत्मा, इसलिए गंगा जल भर करके कहां ले जाना पड़े, रामेश्वर में ले जाते हैं भक्ति मार्ग। तो मुरली में क्या बोला है, माता गुरु बिगर उद्धार हो नहीं सकता। अगर पावन बनना है, पवित्र बनना है, तो माता गुरु जरूर चाहिए। अब वो माता गुरु चाहे गाऊ के रूप में हो, कामधेनु गैया हो, गंगा मैया हो, चाहे आखरीन ऊंच से ऊंच पद ग्रहण करने वाली नारी से क्या बनने वाली, लक्ष्मी बनने वाली हो, और पहले पहल इनके मुख से ये शब्द निकला कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा का ज्ञान कौन देता है? है? अरे आत्मा का ज्ञान देता कौन है? 2500 वर्ष में तो किसी ने आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, गीता में इतना लिख करके छोड़ दिया अणु अणियांसम, अणु से भी अणु रूप है, अति सूक्ष्म है, लेकिन साथ में ये तो नहीं बताया कि ज्योति स्वरूप है,
आत्मा क्या करती है, कैसे चक्र में आती है, वो सारा ज्ञान तो मनुष्य आत्माएं नहीं दे सकी। कौन देता है? हाँ? एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा है या शिव बाप है? शिव बाप तो बिंदी है, वो कैसे बतावेगा? शिव बाबा है, साकार में प्रवेश करके निराकार ही बताता है। हम भी आत्मा है और तुम भी आत्मा हो। अंतर यह है, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं और तुम सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले। है ठीक है, है अहम दा सबसे ज्यादा तारीफ कर ली। हाँ तो पूछना क्या है? अहम दा बाद, जिसने बाद में अपना अहंकार दे दिया। पहले सबको क्या किया? पहले सबको झुका लिया और बाद में अपना अहंकार सबको अर्पण कर दिया। उसका नाम पड़ा है अहमदाबाद। वो कौन है? है? गीता में भी बोला है, मैं वृक्षों में ये हूं, मैं सर्पों में ये हूं, मैं मनुष्यों में ये हूं, मैं देवताओं में ये हूं। श्रेष्ठ बताया या नीचे बताया? तो ज्ञान के आधार पर सबको नीचा साबित कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। तो भगवान से ज्यादा अहंकारी कोई होगा? है? भगवान अहंकारी नहीं है, परंतु जिसमें प्रवेश करता है वो सबसे बड़ा देह अहंकारी है। सबको झुका के फिर झुक जाता है। बाबा का अहंकार दिखाई नहीं देता है? शास्त्रों में ऐसे ही लिखा हुआ है कि प्रजापति ने बकरे का रूप धारण कर लिया। वो बकरा क्या करता है? ये मैं का अहंकार मुख प्रजापति को धारण नहीं किया गया, दिखाई नहीं पड़ा। अब प्रैक्टिकल में ही तो होता है, जो मैं करता है वो कौन है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ही सब कुछ हूं। फिर दुनिया वालों ने उसको फॉलो किया, वो दुनिया वाले भी कहने लगे शिवो हम आत्मा सो परमात्मा। तो बाप को सारी दुनिया ने फॉलो कर लिया। और दुर्गा पूजा को अहंकारी के बाद ये कहा जाता है कि सारे अहंकार को शिव बाबा ही कोई झुक जाता है तब समाप्त करते हैं कि झुकने से पहले समाप्त कर देते हैं? कब करते हैं समाप्त?
रावण ने अहंकार दिखाने के लिए कैलाश पर्वत को हिलाई दिया, उठाई दिया, तो उसका अहंकार समाप्त हुआ या चढ़ गया आकाश में? फिर जब पत्थरों के नीचे गिर गया, दब गया, हाय हाय चिल्लाने लगा, निकालो बचाओ, तो अहंकार चूर चूर हुआ या नहीं हुआ? तब कहेंगे त्राहिमाम, मुसलमानों के मुहर्रम में जब ताजिया निकलती है तो सवारी निकलती है, सवारी निकलती है, क्या कहते हैं सवारी, सवारी बोलते हैं है? तो सवारी में कौन सी आत्मा आती है? मतलब तेज तर्रार कार भी पार्ट बजाती है। क्या पार्ट बजाती है? तेज तर्रार जो सवारी निकलती है मुहर्रम के ताजिया जब निकलती है, है? तो सवारी में जो आत्मा आती है वो किसकी आत्मा आती है? भूत प्रेतों की आती है और किसकी आती है? सवारी नाम दिया जाता है। हाँ तो क्या हुआ, और क्या भगवान की सवारी आती है? है सवार होगी तो सवारी नाम कहा जाएगा। हाँ 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 जी, शिव के मंदिर में सब ज्ञानी है कि भगत भी होते हैं, बुढ़ी बुढ़ी माताएं होती हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है, उनको भगत कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? यह शिव बाबा के मंदिर की बात है, जगह जगह की बात नहीं। और ये किसने कहा, ये किसने कहा, कौन सी मुरली में आ गया, कौन सा प्रूफ तुमको मिल गया कि महारानी लक्ष्मीबाई राम वाली आत्मा का ही पार्ट है? है फिर गंगाधर किसका पार्ट है? गंगा को धारण करने वाला गंगाधर कौन है फिर? है अरे गंगाधर किसका नाम है फिर? बाबा ने तो बोला है बिना प्रूफ और प्रमाण के तुम बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपने कैसे मान लिया? और महारानी लक्ष्मीबाई तो अपने पति की भी बात को टाल देती थी, नहीं मानती थी। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन सा पार्ट है जो गंगाधर की बात को भी टाल देता है? है? अपनी बात पे अडिग रहता है, उसे कहते हैं हठ योगी। बल कितना भी दुख सहन करना पड़े तो भी अपनी हठ को नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा दुखी सन्यासी होते हैं या गृहस्थी होते हैं? हठ योगी ज्यादा दुखी होते हैं कि सहज राज योगी ज्यादा दुखी होते हैं? हठ योगी बहुत दुखी होते हैं। और
इसका मतलब यही है कि जो उत्त माने ऊंचा और जैन माने जैन, जिन के फॉलोअर जैन, क्या जिन कहा जाता है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे इंद्रियों को जीतने वाले के जहां फॉलोअर्स बहुत है, ऐसे उज्जैन में क्या पुरुषार्थ कराया जाता है? देवान को भस्म करने का पुरुषार्थ कराया जाता है। क्या चाहिए उनको? राख चाहिए, देह नहीं चाहिए। क्या चाहिए? देवान की राख चाहिए। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में ऊंचे से ऊंचे पार्ट है महादेव शंकर का। वो कैसा पुरुषार्थ चाहते हैं बच्चों से? देवान को राख बना दो, जला भी नहीं दो, काली काली लकड़ियां हड्डियां रह जाएं। राख बना दो। अगर थोड़ा भी देवान रह गया तो इसे शरीर से सिद्धि नहीं मिलेगी। जीते जी स्वर्ग में नहीं जावेंगे। फिर तो ये देह ही खलास हो जावेगी। शरीर से पावन नहीं बनेंगे। मुरली में तो बोला है, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया बाप है। ये शरीर रूपी नैया भी विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इससे पार जाएगी या बीच में ही भंवर में खत्म हो जाएगी? पार जाएगी। ऐसा ऊंचे लक्ष्य रखना है। तो ये हुआ उज्जैन। वो उज्जैन तो भक्ति मार्ग का है और ये उज्जैन ज्ञान मार्ग का है। है ज्ञान में ब्राह्मणों की दुनिया में शराब किसे कहा जाता है? है, है? ये दृष्टि का लेन देन ही शराब है। वो बेसिक में भी वो राक्षस संप्रदाय शराब बहुत पीते हैं। कौरव संप्रदाय यादव संप्रदाय है तो शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? है? लेकिन उनको पता नहीं है उनका भी कोई बाप बाप आया हुआ है। वो उनसे ज्यादा शराब पीने वाला है या कम पीने वाला है? इसलिए महाकाल के मंदिर में शराब भी चढ़ाते हैं। बीमार कैसे पड़ जाते हैं? पूर्व उनका पुरुषार्थी जीवन में पूर्व जन्मों का हिसाब किताब नहीं होता है क्या? हाँ हाँ, बीमार तो पड़ते हैं, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ थोड़ा ही कहा जाता है। दूज को ठीक हो जाते हैं। और बाबा बच्चों का मुंडन संस्कार क्यों कराते हैं?
ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चे जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो जन्म लेने के बाद वो बच्चा बुद्धि है या पक्की ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं? बच्चा बुद्धि है। तो जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो बच्चा बुद्धि महात्मा कहे जाते हैं या नहीं कहे जाते हैं? महात्मा कहे जाते हैं। बोली प्रकृति के हैं, इसलिए उन बच्चों में ये जो बाल हैं, ये बाल विकार की निशानी है। ये शुद्ध खून से पैदा होते हैं, ये बाल विकार की निशानी है। उनके विकारों का मुंडन कराया जाता है। सतो प्रधान आत्मा ज्ञान में आती है तो विकारों को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? छोड़ती है। फिर संग के रंग से भांति भांति की बातें सुन करके श्रद्धा विश्वास जब कम हो जाता है, तमोप्रधान बनती है, तो फिर विकारों को ग्रहण करने लगते हैं। सतो प्रधान आत्मा होती है तो झटकु बनती है, तमोप्रधान आत्मा बनती है तो सरेंडर होने के बाद भी भाग खड़े होते हैं। नौ नारायण हैं। पहले लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं और बाद वाले आठ लक्ष्मी नारायण हैं जो प्रिंस बनते हैं, नर से नारायण नहीं बनते हैं। उन आठ की भी लक्ष्मी नारायण से गद्दी चलती है नाम से, किंतु उनके नाम का उतना गायन नहीं है। अरे उतना तो क्या, कितना भी गायन नहीं है शास्त्रों में। आठ लक्ष्मी नारायण का कहीं शास्त्रों में नाम सुना? ये तो बाबा ने बताया है कि आठ लक्ष्मी नारायण सतयुग में होते हैं, परंतु उनकी तो हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं। तो क्या बाबा वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है? है उन्होंने अपना पूरा देह अभिमान जलाया है? नहीं जलाया। शरीर रहते रहते अपना पूरा देहभान जलाए ही नहीं सके, इसलिए उनका कोई गायन नहीं है। वो प्रभाव में आ जाते हैं विधर्मियों के, जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है विदेशी आत्माएं विधर्मी आत्माएं उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो कमजोर आत्माएं हुई या पावरफुल आत्माएं हुई? कमजोर आत्माएं। दुनिया पावरफुल को मानती है या कमजोर को मानती है? पावरफुल को मानती है। कृष्ण जी ने पहाड़ क्यों उठा लिया?
लेकिन जो पहाड़ उठाया उसका नाम क्या है? गौवर्धन पहाड़, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़। वर्धन माने बढ़ाना। कितनी गौएं बढ़ाई? कहते हैं 16,108 गौओं का पहाड़ बना दिया। और उस पहाड़ की पालना, सारा वजन कौन सी उंगली पर उठाया? कहते हैं पांडवों की 5 उंगलियां। सूर्यवंशी बौद्ध सन्यासी और सिख, कौन सा रह गया? चंद्रवंशी। ये 4 धर्म, 5 धर्म भारतीय धर्म है या विदेशी धर्म है? भारतीय धर्म है। तो पांडव पक्के पक्के भारतीय थे, भगवान के फॉलोअर थे या विदर्भियों के फॉलोअर हुए? भगवान के फॉलोअर थे। उन 5 प्रकार के पांडवों में सबसे छोटा कौन है? सिख धर्म। तो सिख धर्म की जो स्पेशल आत्मा है वो जब निकलती है तो एडवांस में ढेर की ढेर कन्याओं माताओं का झुंड निकलता है आदि में, आदि सो अंत में भी ऐसे होता है। वो कन्याओं माताओं का 16,108 का झुंड सारा इकट्ठा हो जाता है और उस उंगली के ऊपर धारण किया जाता है। सबसे छोटी उंगली है, सबसे छोटे धर्म को इंट्रोड्यूस करने वाली है वो जगदम्बा। उसके लिए गायन है, राज करेगा खालसा। बाप आकर कन्याओं माताओं के हाथ में राज्य देते हैं। तो ये पहाड़ उठाया है, किस लिए उठाया है? इसलिए उठाया कि दुनिया को पता चले कि भगवान चाहे तो कोई भी बच्चे के द्वारा बड़े से बड़ा काम करवा सकता है। कोई जरूरी नहीं अंगूठाई हो या बड़ी उंगली हो या पहली उंगली हो, नहीं, भगवान जिस बच्चे को निमित्त बनाना चाहे उस बच्चे के द्वारा ही बड़े से बड़ा काम करवा सकता है। तो सबसे छोटी उंगली ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। है हैं? सागर मंथन, तन मंथन। हाँ, पहले मन किसी ने आज तक अर्पण किया? इतने बैठे हुए किसी ने मन अर्पण किया? किसी ने मन अर्पण नहीं किया अभी तक। और मन कंट्रोल में आया जब अर्पण करेंगे, भगवान को दे देंगे तो कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा? फिर किसी का मन कंट्रोल में आया है? नहीं आया तो कहां मन अर्पण किया?
नहीं, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। फिर दूसरी बार बोला, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ये मन की यही गति है कि हम अपने जीवन का कमाया हुआ धन जहाँ लगाएंगे, दुनियावी कारखाने में लगाएंगे, लंदन में बहुत बड़ा कारखाना खोल दिया, जिंदगी की सारी कमाई हुई संपत्ति उस कारखाने में लगा दी, भले इंडिया में रहने वाले हो तो भी बुद्धि कहाँ जाएगी, है वही लंदन में जाएगी। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। ऐसे ही तन, ये तन की शक्ति सारे जीवन की शक्ति पुरुष लोग कहाँ लगा देते हैं, हा? अरे तन की सारी शक्ति पुरुष लोग बहुधा कहाँ लगा देते हैं, हा? स्त्री चोले में लगा देते हैं, सारी शक्ति वहां स्वाहा कर देते हैं, ले तू ही ले ले। तो अंत समय जब आता है तो मन किसको याद करता है, है? अंत मते सो गति हो जाती है। गड्ढे वाली का जन्म मिल जाता है। तो कौन सी बात सच्ची है, पहले मन अर्पण होता है कि पहले धन और तन अर्पण करना पड़ता है, पहले धन और तन अर्पण करना पड़ता है, फिर मन पीछे पीछे अपने आप ही जाएगा।